मुख्यमंत्री हर एक सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, जनता का फरियाद सुनते हैं। बता दें कि बिहार के तमाम जिले से जनता आते हैं अपनी फरियादी को लेकर, और जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं होती तो लोग निराश हो जाते हैं। क्या मैटर लेके आप आए हैं नीतीश कुमार के पास से? जी हम सर जो आए हैं पटिशन किसका सुपरविजन री करने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए। किसका गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार मुदाले जो मर्डर केस में जो है 11 आदमी का नाम है जिसमें 5 को पकड़ा है और एक 14 दिन पर थाना से छोड़ दिया गया है 303 का मुदाले का, और 5 और ऐसे ही गिरफ्तार है। कब की घटना है? 13/4/2023 को सर। अच्छा, ये क्या यहाँ नीतीश कुमार के पास आप आए मुलाकात करने के लिए? जी नहीं आए हैं सर, डिस्पेस नंबर सब साहब का मिल गया है, वहाँ दिए हैं भी आवेदन रख लिए, लेकिन अभी सुपरविजन न करने जा रहे हैं। यहाँ क्या करने आए हैं आप? तो यहाँ आए हैं सर, यही ऑनलाइन जो है फार्म यहाँ देने के लिए मुख्यमंत्री दरबार में। अच्छा जी, मुख्यमंत्री दरबार में नहीं गया है? जी ना गया। क्या मैटर? हम आए हैं सर कि हमारा रहने का एक दूर जमीन नहीं है, और हम लोग जहाँ से शुरू जो हुआ है वहाँ पर इसे नहीं खुदाई किया जा रहा है सर, और खुदाई करल जा रहा है जो हम लोग बसे हुए हैं सर, उस जगह से कह रहे हैं कि 15 तारीख के खाली कीजिए। तो हम लोग सर का एक धुर जमीन नहीं है और बुलडेजर लेके कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? हम हैं जहानाबाद के रहे वाला काको पंचायत अथी काबले काको थाना ब्लॉक, उस जगह से आए हैं सर, और खुदाई जो हम लोग बस रहे हैं उस जगह से पुलिस प्रशासन जो कह के गए हैं सीओ साहब कि 15 तारीख के आपको खाली करना है, तो हम लोग के एक जगह जमीन नहीं है, हम लोग कहाँ पर सरकारी जमीन में रहते हैं? जी हाँ, सरकारी जमीन में रह रहे हैं 40 बरस से। अच्छा। आज तक के हम लोग के कागजात नहीं बना, और सीओ साहब बोले हैं कि आप लोग को अभी नहीं आप लोग के जगह जमीन देंगे, तो आज हम लोग के नोटिस मिला है सर कि 5-15 तारीख के खाली करना है, तो हम लोग कहाँ जाएँ सर, एक धूर जमीन नहीं। कितने लोग वहाँ पर रहते हैं? कम से कम 20-25 हो। 20-25 जी। घर है कि आदमी? ना घर है बनल सर। आपका क्या मैटर है? हमारा सर राजकीय बुनियादी विद्यालय के जमीन के लिए अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, जमीन को बचाने के लिए मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दे चुका हूँ। मैं वासुदेव साह, ग्राम उस्फा, थाना गौरीचक और अंचल फतुहा के रहने वाला हूँ। इस पर मैं जिला पदाधिकारी के दिए, लेकिन जवाब में आया कि यह स्कूल में आपका नहीं है, जबकि हाई स्कूल और बेसिक स्कूल और कॉलेज भी है, और उस कैंपस के भीतर यह सब बन रहा है। पावर ग्रिड, नगर निगम कूड़ा करकट फेंका रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, मिनी प्रखंड बनेगा, तो स्कूल बच्चा कहाँ खेले कूदेगा? इसलिए अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन दूसरा बार जिला पदाधिकारी के दिया हूँ, तो कहें कि आपका कार्यवाही समाप्त 1908 ईस्वी में आपका स्कूल का नामो निशान है। तो हम कहे कि सर 40 वर्ष पीछे जो उस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय स्कूल कहाँ था? अब तो जमीन बन गया है, इसलिए सर उस पर अतिक्रमण मुक्त किया जाए, जमीन पर के समतल पर आकर देखा जाए कि स्कूल के चारों घूम के आज भी पूर्वज लोग का निशान चारों तरफ से बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के भीतर अतिक्रमण हो रहा है, और सरकार इसमें असफलता हो रही है। क्या आपका समस्या? देखिए मेरा समस्या कि बेटा थाना के हम हैं निवासी, ठीक ना, मेरा जैसे अंग्रेजों का पुराना जमाना होता है ना, वैसे कब्जे में मेरा जमीन घर सब लिया हुआ। हम 3 परिवार है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों कुंवारी हैं, समझे? हाँ, 2 साल से शादी न होने दे रहा, न घर बनने दे रहा है। कौन नहीं दे रहा? मेरा गोटिया, मैंने 7 भाई है ना मेरे बाबूजी, तो 6 मिल के उसी में लगा हुआ। फिर मुखिया के पास जाते हैं तो मुखिया मने वही हैं, रिश्वत लिए हुए, साफ बात है, डरना कोची है। उसके बाद हम फिर थाना जाते हैं, बेटा थाना हुआ गए तो हुआ सब मिला हुआ, एसडीडीओ सब मिला हुआ, यहाँ हम आए तो यहाँ हमको मिलना नहीं दिया गया। आवेदन दिए? हाँ, तो यहाँ आए नहीं, आए तो मिलना नहीं दिया, तो यहाँ से हुआ से लगता है कोई फोन घुमा दिया, तो यहाँ पुलिस भी 2-3 को हमको नहीं मिलना दिया, घुस ही नहीं दिया। आज देखिए फिर रोक दिया, घुसने देगा आपको? आवेदन दीजिए। अरे आवेदन सर, हम भी समझते हैं आधार कार्ड प्रधानमंत्री साहब बनवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग की खून माने पी जाएगा तब अथी होगा, इतना भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है, इतना आवेदन भी कोई चीज़ दुनिया में है बना हुआ है, हम बहुत मैंने अथी किया, और वह में आधार कार्ड क्या मुखिया जी नहीं बनने दिया हमको, अई खंदनवा नहीं बनने दिया है, हर जगह मुझे दिक्कत है, इसीलिए देखिए भाई क्या करते हैं आपका देवे नहीं करेगा, न बांटेगा और न उसको बेचने देगा, बांटवे नहीं करेगा। क्या है, क्या काम करता है वो लोग? है वो एगो राजीव नगर में ओवरसीयर है, समझे? उनका बेटा इंजीनियर है, उनका नाम है रामचंद्र ठाकुर, लल्लू ठाकुर,
नीतीश जी का दरबार हमको वैष्णो देवी लगता है। बात साहब कौन सा नीतीश जी के दरबार वैष्णो देवी? वैष्णो देवी अगर आप नीतीश जी के दरबार में आए तो मैंने वैष्णो देवी के आपको वैष्णो विष्णु हुए आपका उनके पति हुए या कोई भी हुए इसलिए सिर्फ नीतीश भैया जी हम मुझे वहाँ 30-31 साल उम्र हो गया यार, मेरे भैया का तो 35 साल हो गया यार, 2 साल तो साला उन लोगों ने रोक दिया भैया। तो नीतीश जी को बहुत उम्मीद है कि मेरा अथी करे, सिर्फ साले 5 लाख 10 लाख के लिए और दाने दाने मोहताज है। रुकिए ना सर, रखिए रोटी, एक रोटी पेट में सुबह से कुछ नहीं है मेरा, सोचिए 2 चाय में पिया हुआ पैसों दिखाई देते हैं समस्या सब अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हैं अब इसको लेकर जो जनता दरबार में सब अपनी समस्या को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी को मिलने नहीं दी गई है, किसी को जो आवेदन है आवेदन नहीं किए उसकी वजह से उन लोगों को नहीं दी गई है। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।